मी को इन्होंने खींच कर जो वैन में डाला, या बाजी आमना जो कराची में एक पुरामन सियासत कर रही है उसको जो खींच कर वैन में डाला, और जो लापता अपराध की फैमिलीज को खींच कर एक छोटी छोटी बच्ची को, शर्म आनी चाहिए इस रियासत को, छोटी बच्ची को तीन औरतें उठाकर वैन में घसीट कर डाल रहे हैं। ये उन पर एक थ्रेट है कि आइंदा से कोई भी अगर बलोच के बारे में बात करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। ना ही कोई कानून यहाँ एग्जिस्ट करती है। जब हम एक डिबेट की तरफ जा रहे थे क्वेटा धरना में, तो बलूचिस्तान का वजीर दाखला मुझे ये कहता है, इट इज अ थ्रेट फॉर मी, वो मुझे सामने सामने ये कह रहा है कि आप अभी तक क्यों अगवा नहीं हुए हैं। मैंने उनको जवाब में ये कहा कि जब कोई औरत जिसको कोई जानता नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, वो बेचारी नूरजान अपने घर में अपने बच्चों को संभाल रही है जो इतनी ज्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं है, जब ये रियासत उसको खुद कुछ बमबावर करार दे सकती है, तो यकीन कीजिए अगर मेरी बारी आई तो वो मुझे उससे भी बड़े केस में मुलव्वस कर सकती है। और अगर मैं इस वक्त तक बची हूँ वो इस वजह से नहीं बची हूँ कि शायद यहाँ पे कोई अकूक है या फलान है, इस वक्त तक बची हूँ क्योंकि इस वक्त तक मैं स्टेट की नजरों में शायद मेरी बारी अभी तक नहीं आई है। तो ये मेरे लिहाज से और एक बहाना बनाया गया है, वो मोहतरम साहब एक वजीर दाखला होते हुए वो किसी भी FIR को खत्म कर सकते हैं।